शहडोल जिले के कोयलांचल नगरी धनपुरी में शराब के नशे में धुत छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। पुलिस द्वारा हत्यारे भाई को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल शराब के नशे में दो भाइयों के बीच किसी बात को लेकर गाली गलौज और विवाद हो गया। विवाद इतना ज़्यादा गहरा हो गया कि पास रखी कुल्हाड़ी से छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। मामला धनपुरी थाना क्षेत्र के कोयलांचल नगरी धनपुरी वार्ड नंबर 24 सरकारी टोला का है, जहां बड़े भाई जीवन की देर रात उसके छोटे भाई गणेशु से किसी बात को लेकर कहा सुनी होने लगी, जिसके बाद शराब के नशे में चूर गणेशु ने वही पास रखे कुल्हाड़ी से अपने भाई के सर व गर्दन पर हमला किया, जिससे बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद जैसे ही परिजनों को जानकारी हुई तो इस सनसनी घटना की जानकारी धनपुरी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्यारे भाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया। ये कल रात में करीब 10:30 बजे हमें सूचना मिली थी कि धनपुरी कस्बे में ही आउटर में बैगान मोहल्ला है, वहाँ पर एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है। इस सूचना पर हम लोग तुरंत वहाँ पर मौके पर पहुँचे और वहाँ जाकर देखने से पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम है जीवन लाल बैगा, उसकी हत्या जो है शराब के नशे में उसके ही छोटे भाई गणेशु बैगा ने की है। दोनों ही शराब पिए हुए थे, शराब पी करके आपस में गाली गलौज कर रहे थे और इसे उस पर आवेश में आकर के छोटे भाई ने कुल्हाड़ी के वार से बड़े भाई का मर्डर कर दिया है। तो इस पर तुरंत ही हम लोगों ने वहाँ पर जो है मौके पर ही देहाती नालसी लेख करके और कार्यवाही विवेचना की जो है वो शुरू कर दी है। आज अभी सुबह उसका पंचनामा वगैरह करा करके और पोस्टमार्टम कराया गया है और आरोपी की भी तलाश पर आरोपी को हमने हिरासत में ले लिया है। मामले की विवेचना जारी है, पूछताछ कर रहे हैं। अभी तो प्रथम दृष्टया यही समझ में आया कि ये शराब के नशे में ही गाली गलौज में अचानक से आवेश में आकर के और छोटे भाई ने उसकी हत्या की है और इसके पीछे कोई खास वजह समझ में नहीं आई। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।